दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा में उपचुनाव होना है और ऐसे में राजनीतिक पार्टियां मैदान में आनी शुरू हो गई हैं। राजेंद्र नगर विधानसभा में पानी का मुद्दा विपक्ष की तरफ से उठाया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजेश गुप्ता, नेता प्रतिपक्ष रामवीर बधुड़ी और इसी के साथ ही पूर्व विधायक आरपी सिंह समेत कई नेता शामिल हुए। बीजेपी नेताओं ने यहां सैकड़ों की संख्या में शामिल होकर दिल्ली सरकार के खिलाफ हंगामा किया और 1 किलोमीटर पैदल मार्च निकालकर जल बोर्ड ऑफिस पर पानी मटके फोड़े। बीजेपी का कहना है कि दिल्ली सरकार झूठे वादे करती है। जब से केजरीवाल सरकार आए और यहाँ के जो विधायक, जो आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं, जो दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष भी रहे हैं और अब वो सांसद बन गए हैं, जिस तरह उन्होंने राजेंद्र नगर के अंदर दिल्ली जल बोर्ड में करोड़ों रुपए बर्बाद करके भी राजेंद्र नगर की पानी की व्यवस्थाओं को ठीक नहीं किया, उन पानी की समस्याओं को लेकर आज राजेंद्र नगर वासी बहुत दुखी हैं, व्यथित हैं, परेशान है, रात को जागना पड़ता है, लेकिन फिर भी उनको पानी नसीब नहीं होता है और पानी के बड़े हुए बिल भी आ रहे हैं जबकि उनको पानी नसीब नहीं हो रहा है। उन सारी पानी की समस्या को लेकर आज ये प्रदर्शन रखा गया है। पूरी दिल्ली में एक अभियान चल रखा है और इस देश में सबसे अगर कोई झूठा अगर कोई मुख्यमंत्री है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल हैं। आज भीषण गर्मी में पानी का ये है कि हाहाकार मचा हुआ, कहीं भी पानी नहीं है। अगर कहीं थोड़ा बहुत पानी आता है तो बहुत गंदा पानी आता है, पीने योग्य नहीं है और ये कहते हैं फ्री पानी, जबकि यहाँ पर माफियाओं का जाल, जल बोर्ड इनके पास है, जल बोर्ड की माफिया रात दिन रात को क्या करते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटलों में, रेस्टोरेंट में सारी पानी की सप्लाई करते हैं। आज हम लोगों ने केजरीवाल की जो जितनी भी झूठी नीतियाँ थी जन आंदोलन ने किया है, क्योंकि मैं खुद इस विधानसभा में रहती हूँ और मैं जानती हूँ कि आप पिछले 15 दिन से हमारे यहाँ बुद्ध नगर एक जगह है, वहाँ पर पानी नहीं आया, नारायणा गाँव में पानी नहीं आया, जो पानी जहाँ कहीं भी आ रहा है तो वो 10 मिनट 15 मिनट के लिए जो पानी आ रहा है वो इतना गंदा कीचड़ और नाले का पानी है। दिल्ली में जितनी तेजी से गर्मी बढ़ रही है तो मौसम भी करवट बदल रहा है, ऐसी राजनीति भी करवट बदल रही है और मौसम ठंडा हो रहा है तो राजनीति भी ठंडी हो रही है। दिल्ली नगर निगम के चुनाव अभी काफ़ी दूर हैं लेकिन दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा में उपचुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। राजनीति पार्टियां ने अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। आज राजेंद्र नगर विधानसभा में प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने अपने कार्यकर्ताओं को बुलाकर एक जनसभा का आयोजन किया और फिर राजेंद्र नगर विधानसभा के जल बोर्ड के दफ्तर के बाहर मटका फोड़ प्रदर्शन किया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।